जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रहने वाली ये हैं कुलसुम जान। 14 जनवरी को उन्हें लेबर पेन हुआ, लेकिन बाहर होती हुई बर्फबारी के चलते उनका अस्पताल पहुंचना आसान नहीं था। ऐसे में सेना की मदद से उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाया गया और कई किलोमीटर बर्फबारी में पैदल चलते हुए सड़क तक पहुंचाया गया। कुलसुम बताती हैं कि उनके घर से अस्पताल तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। मैं घर पर थी जब मुझे दर्द शुरू हुआ और मुझे बहुत मुश्किलों से डिस्पेंसरी तक पहुंचाया गया। कुछ सेकंड के लिए आराम मिलता और फिर दर्द होने लगता। मैं सिर्फ चिल्ला रही थी। शाम हो गई थी और मैं दर्द से जूझ रही थी। जब स्ट्रेचर हिलता तो काफ़ी दर्द होने लगता। बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब भी वो स्ट्रेचर को ज़मीन पर रखते तो मैं दर्द से चीखने लगती। सेना के जवान कहते कि थोड़ी देर आराम करो और फिर वो मुझे नीचे रखते। बर्फबारी की वजह से काफ़ी मुश्किलें थी। पहले रास्ता बनाना पड़ता था और उसके बाद चल पाते थे। सेना ने हमारी बहुत मदद की। खुदा उनका भला करे, अगर वो ना होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने हमारी काफी मदद की। कुलसुम के पति मुख्तियार अहमद नायक उस दिन को याद करते हैं जब उन्हें बर्फबारी में लंबा पैदल सफर करना पड़ा था। उस समय हालात बहुत नाजुक और खराब थे। हम पास के एक अस्पताल में थे, तब तक सेना के लोग आ गए। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। पैदल चलना आसान नहीं था। कुछ लोग बर्फ को हटाकर रास्ता बना रहे थे और हम आगे बढ़ रहे थे। हमें बहुत चिंता हो रही थी। मेरी पत्नी बीमार थी और चिल्ला रही थी। बर्फ में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। करीब 3 घंटे तक हम चलते रहे। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। जब हम मरीज की तरफ देखते तो घबरा जाते। वो बहुत मुश्किल समय था। एक तरफ बच्चे की फिक्र थी और दूसरी तरफ मरीज की। फिर हम जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करते। सेना ने हर मुमकिन मदद की। फिर सेना की एम्बुलेंस आ गई। उसके बाद बनिहाल पहुंचने में 1 और घंटा लग गया। फिर बनिहाल से अनंतनाग पहुंचने में 1 और घंटा लगा। हम करीब 20 किलोमीटर पैदल चले। कुलसुम के गांव तक जाने वाला रास्ता बहुत ज्यादा खराब है और यहां का मौसम भी काफी ठंडा रहता है। ये कावना खड़ी नाम की जगह है और यहाँ पर ही 2 दिन पहले भारतीय सेना के जवानों ने एक गर्भवती महिला को उस पहाड़ी से, जहाँ काफ़ी बर्फबारी उस दिन हो रही थी, वहाँ से उनको रेस्क्यू किया था और काफ़ी दूर पैदल चढ़कर उनको यहाँ तक लाया गया था, क्योंकि उस दिन काफ़ी बर्फबारी हो रही थी और कई फिट बर्फबारी हो गई थी और उसके बाद यहाँ तक उनको लाया गया। आर्मी के जवानों ने, आर्मी की पूरी रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई थी। सेना का कहना है कि गर्भवती महिला को रेस्क्यू करने के लिए सेना के जवानों ने अच्छी खासी मशक्कत की। 15 जनवरी को भारतीय सेना के जवानों ने सड़क पर बिछी 4 से 6 फुट बर्फ पर करीब 14 किलोमीटर चलकर एक गांव से गर्भवती महिला को जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक अस्पताल में पहुंचाया। कुलसुम अख्तर को खराब मौसम के बीच मंगल इलाके से निकाला गया। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स को खारी तहसील के हर गांव से सरपंच एवं अन्य ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि एक गर्भवती महिला को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। भारी बर्फबारी के कारण सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध थी और उनमें फिसलन हो गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना के बचाव तथा चिकित्सा दल ने अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते हुए तत्काल निर्णय लिया। सैनिक 4 से 6 फुट बर्फ पर खुद रास्ता बनाते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने स्ट्रेचर से गर्भवती महिला को 14 किलोमीटर दूर अग्नारी गांव तक पहुंचाया। वहां भारतीय सेना की एम्बुलेंस थी।